दोस्तों सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास यहाँ पे देखिए एक लिथियम चार्जर जो बैटरी चार्जर आता है ई बाइक का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से करता हूँ ऑन, देखिए ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे लाइट नहीं चल रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्लग के इसका यहाँ पे देखिए जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका पीछे लिखा हुआ है, देखिए ए फाइव बैटरी का चार्जर है दोस्तों। यहाँ पे 6.7 लिखा हुआ है। तो दोस्तों 2.5 एम्पियर का ये लोड लेता है। तो मैं इस चार्जर को पहले फटाफट से खोल लेता हूँ और खोलने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक ई बाइक स्कूटी का चार्जर रिपेयर होने के लिए आया था। तो दोस्तों मैंने पावर मॉड्यूल से चेक किया, लेकिन इससे हमारा जो है फैन वो रनिंग नहीं हो रहा था और चालू भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सिर्फ दोस्तों यहाँ पे जो लाइट है ना वो ही जलती है, क्योंकि यहाँ पे उसका ओरिजिनल बनाएंगे तभी हमें यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैंने बाहर से जो आईसी था उसका नंबर भी दिखा दूंगा। तो वो आईसी हमने बाहर से मंगा ली है और अभी यहाँ पे चार्जर को जो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज सभी चेक करके यहाँ पे रिपेयर करते हैं। तो मॉस्फेट भी निकाल लिया, पहले पीडब्ल्यूएम आईसी लगा लेते और एक दो यहाँ पे लाइन कटा है उसे भी ठीक कर लेते। तो अभी दोस्तों पहले तो हमें यहाँ पे जो ट्रैक टूटा है वो और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है तो ये जल चुका है यहाँ पे देखिए। तो इसे मैं पहले बदलता हूँ। तो 1 ohms का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है तो वहाँ पे देख लेता हूँ 1 ohms में है तो मैं 1 ohms का लगा देता हूँ यहाँ पे। तो पहला तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में यहाँ से ट्रैक कटा हुआ है तो ये ट्रैक को हमें जोड़ना पड़ेगा दोस्तों यहाँ तक। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस चेक करके आपको बताता हूँ दोस्तों, तो देख सकते हो। तो पहले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड करता हूँ पहले तो। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ट्रैक कटा है उसे हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसे हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक यहाँ से ट्रैक जोड़ना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से एक जम्पर ले लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों तो ये एक ही है तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ जम्पर। तो अभी यहाँ पे कट कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी ट्रैक मिसिंग है तो यहाँ पे पहले लगाता हूँ उसके बाद में दूसरा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे अच्छे तरीके से लगा लिया। तो एक और ट्रैक हमें जोड़ना है तो मैं यहाँ से ट्रैक को तो ग्राउंड ही है और यहाँ पे इसे जोड़ देता। तो यहाँ पे जोड़ लिया। तो दोस्तों एक बार यहाँ पे देख सकते। तो अभी यहाँ से करता हूँ ऑन, देखिए ऑन कर लिया। तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे 300 वोल्ट एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 310 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे VCC सप्लाई देखता हूँ। तो दोस्तों
अभी सप्लाई तो यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम आईसी लगाएंगे तो ये सप्लाई कम हो जाएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे SP1602 आईसी का नंबर है, तो यहाँ पे आईसी लगा के भी आपको इसका मॉडल नंबर दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ई बाइक के लिए 10 पीस ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसे देख के यहाँ पे लगवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरफ मैंने इसका पॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब कुछ सही से कनेक्शन कर दिया है। सही से कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैं साफ कर लेता हूँ, और पहले देखते हैं वोल्टेज देखने के बाद उसके बाद में ही यहाँ पे हम जो मोस्टर्ड है वो डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे साफ कर लिया है। तो अभी यहाँ पे हमें पहले सप्लाई देखना है हमारा, 12 से 18 वोल्ट की जो सप्लाई बनती है ना वो बननी चाहिए। तो अभी यहाँ से ऑन करता हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ से ऑन कर दिया है मैंने, और यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में यहाँ पे दिखा दूँ, 300 वोल्ट यहाँ पे हमारा बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 350 के करीब में, तो यहाँ पे देखूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी दोस्तों इसे कंफर्म करने के लिए एक यहाँ पे छोटा सा एक LED लगाता हूँ, तो हमें पता चले कि भाई हमारा ये कंप्लीट काम कर रहा है। तो यहाँ पे तो ए वाला हमें है, ये पॉजिटिव पॉइंट ए हमारा यहाँ पे लगेगा गेट पे। तो यहाँ पे ये हमारा गेट पे लगा, और यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे LED है ना, उसका पल्स आना चाहिए, तो LED हमारा ब्लिंक करेगा। तो यहाँ से ऑन करके देखता हूँ। तो अभी देखिए ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जूम करके आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इसका पल्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, देखिए। तो अभी एक बार यहाँ पे वोल्टेज चेक करके देखता हूँ, तो यहाँ पे हमें कितना वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर लगा है वहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे MOSFET लगा के अभी देखता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये चेक करने के लिए यहाँ पे एक मेरे पास MOSFET पड़ा हुआ है, तो ये MOSFET लगा के यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ही ऑन करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ से करता हूँ ऑन, देखिए मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो चार्जर है ये हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो इसे हमें ओरिजिनल ही बनाना पड़ेगा। आप मॉड्यूल का वीडियो देखेंगे तो ये मॉड्यूल काम नहीं करेगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो अभी मैं यहाँ पे आपको वोल्टेज यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। तो ये 5 वोल्ट बैटरी का चार्जर है ये बाइक का। तो इसे हमारे पास लोड देने के लिए दोस्तों बैटरी नहीं है, तो सप्लाई का प्रॉब्लम था। ओरिजिनली रिपेयर करके आपको दिखाया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप हमें ई बाइक चार्जर रिपेयरिंग में भेजना चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, तो वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।